हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम देखने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का चैप्टर वन या पार्ट वन हम आज देखने वाले हैं। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, मेडिकल प्रोफेशंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, और जब हम पढ़ते हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सब ने जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट वन, टू, थ्री और फाइव भी आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पार्ट वन। तो फर्स्ट टर्म है यूपनिया। यूपनिया मतलब क्या है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग। सेकेंड है एपनिया। एपनिया मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का एब्सेंस होना। थर्ड है डिस्निया। डिस्निया मतलब क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना। हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। फिफ्थ है हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया मीन्स डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। हाइपोक्सिया टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी थी, हाइपोक्सेमिया में क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया मतलब अ कंडीशन कॉज बाय इनसफिशियंसी और इनसफिशियंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन इनटेक होता है। सेवेंथ है अफोनिया। अफोनिया मतलब क्या है, लॉस ऑफ वॉइस। अफेजिया। अफेजिया मतलब क्या है, इनएबिलिटी टू स्पीक। देन नाइन्थ इज डिसआर्थ्रिया। डिसआर्थ्रिया में क्या होता है, इट इज़ अ स्पीच डिसऑर्डर। ये क्या है, एक स्पीच डिसऑर्डर है कॉज बाय मसल वीकनेस विच इंक्लूड्स मसल्स ऑफ फेस, लिप्स, टंग, थ्रोट एंड ऑल्सो ऑफ ब्रीदिंग मसल्स। मसल के वीकनेस से क्या होता है, उसमें स्पीच डिसऑर्डर होते हैं। देन असाइटिस। असाइटिस मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होना। त्यानंतर अटैक्सिया। अटैक्सिया इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑफ लैक ऑफ वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स में लैक होना, कमी होना। मोमेंट्स दैट कैन इंक्लूड द एबनॉर्मल मोमेंट, इसके वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल मोमेंट्स होते हैं। देन ट्वेल्थ इज एजोटेमिया। एजोटेमिया मतलब क्या है, एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एजोटेमिया, दिस कैन कम इन द एग्जाम्स ऑल्सो फॉर द MCQs। एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, उसको ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बर्न, BUN। देन डायफोरेसिस। डायफोरेसिस इज इंक्रीज स्वेटिंग, स्वेटिंग का इंक्रीज होना और एक्सेसिव स्वेटिंग होना। देन 14th इज डिसलैलिया। डिसलैलिया मीन्स वॉट, इम्पेयर्ड स्पीच, इम्पेयर्ड स्पीच। डिसपेप्सिया। 15th इज डिसपेप्सिया। डिसपेप्सिया मीन्स इनडाइजेशन, डाइजेशन ना होना और इम्प्रॉपर डाइजेशन होना। देन 16th इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी इन लर्निंग प्रोसेस। 17th इज इपिटैक्सिस। इपिटैक्सिस बहुत ही फेमस है, इम्पॉर्टेंट है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। इपिटैक्सिस मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। देन 18th इज फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस मीन्स प्रेजेंस ऑफ गैस इन द स्टमक, प्रेजेंस ऑफ गैस इन द स्टमक। 19th इज हैलिटोसिस। हैलिटोसिस मीन्स बैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ। देन 20th इज इंसोमनिया। इंसोमनिया अ स्लीप डिसऑर्डर इन विच देर इज ट्रबल इन फॉलिंग अस्लीप, नींद नहीं आना, इसको बोलते हैं ट्रबल इन फॉलिंग अस्लीप। देन 21th इज सोमनैम्बुलिज्म, दिस मीन्स स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी, इसको कहते हैं सोमनैम्बुलिज्म। 22 इज हेमेटेमिसिस। हेमेटेमिसिस, हेमेटेमिसिस मतलब क्या है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की वॉमिट होना, उल्टी होना। 23 इज हाइपरएमिसिस। हाइपरएमिसिस मतलब क्या है, एक्सेसिव वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, ज़्यादा वॉमिटिंग होना, इसको क्या कहते हैं, हाइपरएमिसिस। तो दिस वेर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज
दैट यू हैव टू नो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, आगे भी 1, 2 और 3 और 5th वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।